हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो आज मेरे 10 डेज़ के जो आईब्रो थ्रेडिंग का जो कोर्स था, उसका आज मेरा 7th क्लास है। तो अब इस क्लास में मैं आपको जो गोल शेप, राउंड शेप में जो हमारा आईब्रो होता है, उसी की थ्रेडिंग कराना सिखाऊंगी, ठीक है। बाकी बीच में मेरे क्लासेस नहीं आ पाए थे, तो उस टाइम मैं दिल्ली गई थी। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया था कि मैं दिल्ली जा रही थी, तो इसलिए मुझे वहाँ जाके भी टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। इसलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का जो हमारा शेप्स है वो आपका राउंड शेप्स है, ठीक है। तो ये आपके जो सॉफ्ट आर्च होते हैं, या फिर आपका हाई पॉइंट वाला जो होता है हमारा, फिर उसके बाद जाके हमारा जो स्ट्रेट होता है, इससे एकदम काफ़ी डिफरेंट होता है, ये अलग ही होता है, ठीक है। इसमें आपको ये होता है कि जैसे हम सॉफ्ट आर्च करते हैं, तो उसमें हमें पॉइंट निकालना होता है आईब्रोज के बीच में से, पर यहाँ पे पॉइंट नहीं निकलता है इस वाले आईब्रोज में। आपको इसमें ऊपर से एकदम फिनिशिंग देनी होती है बिना किसी पॉइंट वगैरह निकाले हुए, ठीक है। तो देखो, मैंने इनके आईब्रोज का जो काम था वो मैंने काफ़ी सॉफ्टली स्टार्ट किया था, क्योंकि इनके जो स्किन्स थे ना, वो काफ़ी सॉफ्ट थे एकदम, और काफ़ी सेंसिटिव भी थे, इसलिए मुझे काफ़ी रुक रुक के इनके आईब्रोज़ में काम करना पड़ा था। तो इस तरीके से मैंने इनके जो आईब्रोज़ थे, उनके ऊपर वाले जो फोरहेड का जो हेयर था, वो मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन किया। छोटे छोटे पार्टीशन निकाल के मैंने क्लीन किए थे। फिर उसके बाद जाके इनके जो आँखों के नीचे का जो एरिया होता है, मैंने वहाँ से क्लीन करना स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने अपने सारे वीडियोस में आप लोगों को यही कहा है कि जब भी आप आईब्रोज थ्रेड करो, तो हमेशा फोरहेड का पहले थ्रेड करें, क्योंकि इससे आपको जो आईब्रोज के नीचे वाला एरिया होता है, उस पोर्शन को क्लीन करने में दिक्कत नहीं होती है, आपको शेप्स का भी अच्छे से पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो हम ये पकड़ते हैं ना आईब्रोज को टाइटली एकदम, हमारा मेन पॉइंट यही होता है कि अगर हम इस पकड़ को अच्छे से पकड़ते हैं, तो फिर हमारा आईब्रोज का जो शेप्स होता है वो प्रॉपरली दिखने लगता है। अगर इसी तरीके से अगर हम हमारी पकड़ अगर सही नहीं होती है, तो उस टाइम फिर आईब्रोज के जो शेप्स होते हैं, उसका भी हमें अच्छे से अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक। तो देखिए, मैंने अपनी कॉम की हेल्प से भी मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि मुझे कितने से कितने एरिया तक का पोर्शन यहाँ से क्लीन करना है। जब भी आप आईब्रो थ्रेड करें, तो अपने जो थ्रेड का धागा होता है, उसे हमेशा स्ट्रेट ही रख के एकदम सीधा, ताकि वो अच्छे से आपका क्लीन वर्क करे, ठीक है। और स्टार्टिंग हमेशा आप आईब्रोज जब बनाएं, तो स्टार्टिंग हमेशा हमारे नोज़ के कॉर्नर वाले एरिया से ही स्टार्ट करें। इससे आपको बाकी के जो एरियाज के हेयर रिमूव करने होते हैं, वो आपको अंदाज़ा हो जाता है उसी अकॉर्डिंग। इसलिए आप स्टार्टिंग हमेशा नोज़ के कॉर्नर से ही करें, उसी को ही अपना गाइडलाइन मान के आगे के हेयर में अपना वर्क करें, ठीक है। तो जब भी आईब्रोज बनाएं, तो हमेशा थिक करके ही बनाएं, ज़्यादा थिन करके ना बनाएं। पतला करके बनाओगे तो बाद में दिक्कत होगी। तो जो राउंड शेप का जो आईब्रोज होता है हमारा, गोल, जो हमारा एकदम गोल जैसा शेप होता है, इसके शेप देना भी काफ़ी इजी होता है। आप देखना, जिनके आईब्रोज सॉफ्ट आर्च में होंगे ना, तो उनके आईब्रोज का जो पॉइंट वाले एरिया निकला होता है एकदम, तो अगर उस पॉइंट में से अगर आप कुछ हेयर रिमूव कर दो ना, तो वहाँ का एरिया एकदम पॉइंट ना रह के आपका राउंड शेप में बन जाता है, एकदम गोल जैसा। हालांकि उनका ज़्यादा गोल तो नहीं बनता है, पर अगर ऐसे सॉफ्ट आर्च वाले जो कस्टमर होते हैं, अगर वो बाय चांस अगर आपको बोले कि नहीं, मुझे थोड़ा राउंड शेप में आईब्रोज चाहिए, बाकी उनका होता सॉफ्ट आर्च शेप ही है, तो उस टाइम आप ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि उनके जो हाई पॉइंट वाला जो एरिया होता है हमारे सॉफ्ट आर्च में, वहाँ से आप कुछ हेयर रिमूव कर दें, तो देखना वो कुछ हद तक आपका राउंड शेप में आ जाता है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी जूम करके दिखाया है आप लोगों को, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इनके आईब्रोज के जो हेयर थे वो मैंने क्लीन किए थे, ठीक। और आईब्रोज बनाने से पहले आप लोग टॉल किट लगाना बिल्कुल भी ना भूले, वो ज़रूर अप्लाई कर ले, क्योंकि उसके बाद फिर पेन भी हमारा थोड़ा कम होता है। तो इस तरीके से इनका जो एक आईब्रो था राइट हैंड वाला, वो हमारा क्लीन हो गया था, ठीक। फिर उसके बाद जाके लास्ट स्टेप ये रहता है आईब्रोज में, कि जो इनर कॉर्नर जो हमारा होता है,
आपके नोज़ के कॉर्नर के एरिया का, वहाँ में कुछ छोटे छोटे हेयर्स रह जाते हैं, आप उसे भी अच्छे से रिमूव करें। ठीक, उसे अगर आप रिमूव करेंगे तो आपके जो फिनिशिंग होती है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक, तो देख सकते हैं मैंने इनका जो एक आईब्रो था वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया था। मुझे बीच में किसी का कमेंट आया था कि मैम मेरे से लेफ़्ट वाला जो आईब्रोज है वो नहीं बनाया जाता है, वो नहीं हो पाता, उसमें दिक्कत होती है मुझे बहुत। तो मैं उनके लिए भी, मैं ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि उनको मैंने कमेंट्स में भी बताए थे। बाकी मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आप कमेंट्स में नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैंने इसमें दिखाए हैं कि आपको किस तरीके से वर्क करना है, ताकि आपको जो लेफ़्ट साइड का जो आईब्रोज होता है वो बनाने में आपको परेशानी ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट वाला आईब्रोज था वो मेरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद जाके लास्ट, पता है क्या आपको ये देखना है कि जो ये लेडी से अपने फिंगर्स से स्किन को ऐसे टाइटली पकड़ते हैं ना, तो उसकी भी फिंगर के नीचे भी छोटे छोटे आईब्रोज रह जाते हैं, उसको भी थोड़ा अच्छे से बाद में क्लीन कर दे। ठीक, तो देखिए ये लेफ़्ट साइड का आईब्रोज है, इसमें मैंने इनको क्या किया था कि जो हमारे चेयर होते हैं, थ्रेडिंग चेयर जो होते हैं, मैंने उसे अच्छे से थोड़ा फ्लैट कर लिया था पीछे की तरफ। जैसे आप मसाज करते हैं, जैसे फेशियल वगैरह करना हो तो हम चेयर को थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं ताकि उनके जो फेस का मसाज हो वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। मैंने सेम उसी तरीके से चेयर को पीछे की तरफ थोड़ा झुका लिया था, झुकाने के पास जाके इनको वहाँ पे ऐसे लेटने के लिए कहा था, और अपने पोजीशन को मैंने इस तरीके से रखा था कि इनका जो फेस है, इनका जो आईब्रोज है, ये प्रॉपर तरीके से मेरे फेस के सामने ही हो, ताकि मुझे आराम से इनके जो एक्स्ट्रा हेयर है थ्रेडिंग करते टाइम जो हम थ्रेड करते हैं वो चीज़ अच्छे से क्लीन कर पाऊँ मैं। तो मैंने सेम उसी पोजीशन में इनको लेटाए थे। ठीक है, तो आप भी जब भी लेफ़्ट आईब्रोज अगर बनाने में आप लोगों को दिक्कतें हो तो आप एक बार ये चीज़ ज़रूर आजमा के देखना, देखना आप लोगों को भी अच्छे से इजीली आ जाएगा। आपको वही करना है कि चेयर को थोड़ा फ्लैट कर ले आप अच्छे से, फ्लैट करने के बाद जाके फिर उसके बाद जाके क्लाइंट का जो फेस है वो अपने फेस की तरफ रखे और आप पीछे की तरफ खड़े हो, आप फ्रंट की तरफ बिल्कुल ना खड़े हो, आप पीछे की तरफ बैक साइड में खड़े हो और उनका जो सिर है वो अपने फेस की तरफ रखे। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आईब्रोज का जो शेप्स होता है या फिर पूरा जो आईब्रोज होता है वो आपको आपके फ्रंट में ही मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एक दो बार प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर उसके बाद जाके आप जब कंटिन्यू इस चीज़ को ट्राई करोगे तो आपके लिए भी फिर इजी हो जाएगा, आपको भी फिर लेफ़्ट साइड के आईब्रोज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो देखिए मैंने इस तरीके से इनका प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी लेफ़्ट साइड के आईब्रोज बनाने में, तो अब धीरे धीरे आ गया है क्योंकि कंटिन्यू मैं इसी फील्ड में वर्क करती हूँ, तो इसलिए मुझे धीरे धीरे आ गया है प्रॉपर तरीके से, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप भी इसी तरीके से सेम ट्राई करते रहे, कंटिन्यू ट्राई करते रहे। जब आपका फाइनल एकदम अच्छे से हो जाए ना, उसके बाद फिर एक बार और चेक कर लेना आईब्रोज़ में कि दोनों आईब्रो में कहीं पे कुछ हेयर तो नहीं रह गया या फिर एक्स्ट्रा हेयर जो छोटे छोटे रह जाते हैं, तो उसको भी आप एक बार फाइनली चेक कर ले, उसको भी अच्छे से रिमूव करें। क्योंकि एक ही जगह पे अगर आप दो तीन बार थ्रेड धागा चलाओगे तो इससे ये होता है कि जो छोटे छोटे हेयर अगर बाई चांस रह भी जाते हैं ना तो वो निकल जाते हैं आराम से। ठीक है, इसीलिए मैं एक ही जगह पर कम से कम दो तीन बार आईब्रो जो थ्रेडिंग होते हैं वो बार बार रिपीट करके मैं चलाती रहती हूँ। उसके बाद फिर इनका ये फाइनल था यही, फिर एक्स्ट्रा जो नोज़ के कॉर्नर का जो हेयर होता है, इनके ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत कम थे, फिर भी मैंने फिनिशिंग दिए थे अच्छे से लास्ट में। फिर उसके बाद जाके जो लास्ट स्टेप होता है वो थोड़ा रिलीफ वाला काम होता है, आराम से रिलैक्स होकर आप अपने फिंगर की हेल्प से इनके आईब्रोज में थोड़ा सा कोई सा भी क्रीम लेके मसाज करें। इससे ये होता है कि अगर बाई चांस आपके कस्टमर को थोड़ी जलन हो रही हो या फिर आईब्रोज, क्योंकि देखो आईब्रोज बनाने में जलन तो होगी, चाहे थोड़ी सी भी हो या फिर बहुत हो, तो इससे ये होगा कि उनकी जो जलन होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स फील होगा उनको थोड़ा। इसलिए आप अपने फिंगर की हेल्प से इस तरीके से दोनों आईब्रोज में मसाज कर दें।
और बाकी अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपको आईब्रो थ्रेडिंग का जो धागा होता है, थ्रेड धागा, अगर वो चलाना भी नहीं आता तो मैंने उसके भी वीडियोस शेयर किए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाके देखें। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट करें। और अगर कुछ और डिफरेंट आईब्रोज देखना है, जैसे हाई आर्च का हो गया आपका, सॉफ्ट आर्च का हो गया, या फिर स्ट्रेट हो गया, मैंने इनके भी वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें इसे, और बताएं मुझे कमेंट में कि आप लोगों को मेरा वर्क कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक और तरीके के आईब्रोज शेप्स के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।